हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो आज हमारे बहुत से व्यूअर्स ने बेर का शरबत कैसे बनता है तो उन्होंने फरमाइश की थी कि हमें बताइए बेर का शरबत कैसे बनाएं हम घर पे। तो आज हम बेर का शरबत ही घर पे बनाना आप लोगों को बताएंगे, जिसकी सहायता से आप घर पे बेर ला के अपने अनुसार उसमें किसी मिलावट के अनुसार अच्छी तरह से बेर का शरबत घर पे बना सकते हैं। और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप रस शरबत घर पे बना के लोगों को पिला सकते हैं। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेर का शरबत बनाना। और अगर आप लोगों को पसंद आए हमारा बेर का शरबत तो प्लीज़ और लोगों को भी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। आगे हैं फ्रेंड्स हम किचन की तरफ, और ये हमारे पास दो बेल हैं। तो बेल का शरबत आप लोगों ने पिया है, नहीं पिया है तो हम आपको बता रहे हैं कैसे बनता है इसका शरबत। बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो इसको हम फोड़ लेते हैं। तो ये देखिए हमने फोड़ लिया है इसको, और ये निकला है इसके अंदर से फल। इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं और इसका शरबत भी बना के पी सकते हैं। ये पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो एक बेल से हमारे दो गिलास शरबत आराम से बन जाएगा। ये हमने सारा बेल से पल्प निकाल लिया है। तो ये मिक्सी के जार में हम डालेंगे। पल्प को तो इसके बीज हमने निकाल लिए हैं, और ये डालेंगे हम चीनी, और ये डालेंगे इसमें हम पानी। अब इसको ग्राइंड करेंगे और इसका शरबत बनाएंगे। तो शरबत बनके फ्रेंड्स तैयार हो गया है। अब इसको हम छान लेंगे, जिससे एक दो बीज अगर वो भी हैं तो निकल जाएं, क्योंकि बेल का शरबत जब भी बनाएं तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बड़ी छन्नी का ही यूज़ कीजिएगा। तो ये देखिए मैं हाथों से इसको मैश कर रही हूँ, जल्दी हो रहा है हाथों से करने में। तो ये देखिए इतना सा निकला है, तो इसको हम अलग कर लेंगे, और जितना बचा है उसको भी डाल लेंगे इसी में, और फिर से हाथ से ही हम करेंगे। आप देख रहे होंगे इतना। फ्रेंड्स बेल का शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए गिलास निकालते हैं और शरबत पीते हैं।